जामुल थाना पुलिस को मोबाइल छीनकर भाग रहे आरोपियों को पकड़ने में दोहरी सफलता मिली है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए वैशाली नगर थाना क्षेत्र से ऑटो को चोरी किया था। जामुल बोगदा पुलिया के पास एक ट्रक ड्राइवर का मोबाइल छीनकर भागने की शिकायत जामुल थाना पुलिस को प्राप्त हुई थी। सूचना पर जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन द्वारा पेट्रोलिंग पार्टी को अलर्ट किया गया। इसे समय रहते आरोपियों को रुंगटा कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम सुरेंद्र सिंह उर्फ रॉकी और सुखविंदर सिंह उर्फ बॉबी बताए गए हैं। इनके साथ एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने ट्रक ड्राइवर से मोबाइल छीना स्वीकार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जिस ऑटो से वे लोग गए थे उसे उन्होंने वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर से चोरी किया था। बहरहाल इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी याकूब मेनन के नेतृत्व में उप निरीक्षक जेडी दीवान, आरक्षक विकास सिंह, संजय मनहरे, राधे यादव की भूमिका उल्लेखनीय रही। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे।